हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ प्लम स्मूदी की रेसिपी शेयर करूंगी, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ प्लम्स लिए हैं, जिसे आलू बुखारा भी कहा जाता है। तो इन प्लम्स को मैं छोटे छोटे पीसेस में कट करके एक ब्लेंडर में डाल दूंगी, एक मिक्सी के जार में मैं इसको डाल दूंगी। और आप चाहें तो यहाँ पर एक छोटा पीस अदरक का भी इसमें डाल सकते हैं, या आप कुछ पुदीने की पत्तियाँ भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल प्लेन प्लम्स का ही स्मूदी बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर कुछ और ऐड नहीं किया है। अब यहाँ पर मैंने 4 चम्मच के करीब चीनी डाली है, लेकिन मुझे बाद में 2 चम्मच और चीनी ऐड करनी पड़ी थी, क्योंकि मेरे प्लम्स थोड़ा सा खट्टे थे। तो आप अपने प्लम्स के मीठेपन के अकॉर्डिंग चीनी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा काला नमक इसमें यूज़ करूँगी, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर थोड़ा सा काला नमक इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल करके इसको ढक्कन लगाकर एक अच्छा स्मूथ पेस्ट तैयार कर देंगे। तो ये देखिए, बस ये हमारा एक स्मूथ पेस्ट तैयार हो चुका है। अब इसको एक सर्विंग ग्लास में डाल करके डाल दीजिए और सर्व करिए। तो ये झटपट से बन जाने वाली एक हेल्दी स्मूदी है। अब यदि आपको स्मूदी पसंद नहीं है, तो आप इसका प्लम जूस भी बना सकते हैं। तो जो आपने ये स्मूदी बनाई है, इसी को आप इस तरह से एक स्ट्रेनर की सहायता से छान करके निकाल दीजिए, तो ये प्लम जूस बन जाएगा। तो एक बहुत ही हेल्दी टेस्टी प्लम जूस है ये, या प्लम स्मूदी है। तो आप भी ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। तो चलिए, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।